उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में छठे चरण के मतदान में सुबह 7 बजे से ही मतदाता उत्साहित हैं। 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्र में 11 बजे तक यानी 4 घंटे में 21.79% मतदान हुआ। इसमें बस्ती में सर्वाधिक 23.33, कुशीनगर में 23.24 तथा अम्बेडकर नगर में 23.10% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच बलिया जिले की नगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के काफिले पर हमले हुआ। उनके काफिले पर यह हमला दुबहर थाना इलाके में हुआ। इस दौरान काफिले में शामिल भाजपा नेता टुनकी पाठक की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया के साथ अनंत संभावनाएं हैं। भारत की जरूरत है और साथ ही देश को दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का मौका भी। आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी GDP का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट को ध्यान में रखकर के सोचना, दूसरा भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोचना। चलिए मान लीजिए हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं में हम वैसा क्वालिटी मटेरियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़े, ये तो हम कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेक इन इंडिया में हम इस दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरनमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट एनवायरनमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये दो ऐसे मंत्र है जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने सन्मीना कॉरपोरेशन के साथ एक करार किया है। RSBVL की इस संयुक्त उपक्रम में 50.1% हिस्सेदारी और सन्मीना की 49.9% हिस्सेदारी होगी। दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता भारत में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से किया गया है और इसके तहत दोनों कंपनियां एक जॉइंट वेंचर बनाएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक 11 से 13 मार्च तक कर्णावती गुजरात में होगी। उन्नाव में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज भोर पहर कार पलटने से आम आदमी पार्टी के विधायक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कंधे पर बंदूक और गोद में मां है, इसीलिए खाकी पर इतना गुमा है। जनपद गोरखपुर में आरक्षी पवन कुमार ने थाना बड़हलगंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की मतदान स्थल पर सहायता कर लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी की भूमिका निभाई। हर भारतीय को गर्व है। श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के एक जवान की अपनी ही AK-47 सर्विस राइफल से संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से मौत हो गई। जवान की शिनाख्त बिहार के कांस्टेबल आनंद लाल के तौर हुई है। इंदौर में गौ सेवकों को श्री अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल ट्रस्ट द्वारा संचालित पैडमी स्थित गौशाला में 150 से अधिक गाय मृत मिली, जिसके बाद केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से आज 798 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाए।
यूक्रेन के प्रमुख शहरों में हवाई सायरन बजाए जा रहे हैं। रूस द्वारा आक्रमण के 8वें दिन बमबारी को तेज किया गया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के एजियम इलाके में बीती रात भर रूस की ओर से की गई गोलाबारी में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।